नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। धीरू भाई, जैसे कि पता है कि ग्रुप डी में अभी पीटी भी खत्म होने वाला है, पीटी का रिजल्ट भी आने वाला है और विश्वास मानिए मार्च तक ग्रुप डी का फाइनल कह सकते हो कि ज्वाइनिंग हो भी जाएगी। लेकिन मार्च ही वो महीना होगा जिसमें रेलवे अपनी नई वैकेंसी को अनाउंस करेगा। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फरवरी में भी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन फरवरी में आना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फरवरी में पूरा का पूरा रेलवे कहीं ना कहीं पीटी पर बिजी रहेगा, रिजल्ट देने पर बिजी रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑफिशियल डेटा की बात करूं तो आपको पता है कि द हिंदू की न्यूज के अनुसार लगभग 3.2 लाख वैकेंसी जो है ना वो इस 2023 में आने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वैकेंसी अगर 2023 में आने वाली है तो क्या इनमें से एक सीट आपकी पक्की है? जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना। और इन सारी भर्तियों में से जो सबसे ज्यादा भर्ती आएगी वो एएलपी और टेक्नीशियन वालों की आएगी, लगभग 60,000 वैकेंसी। हालांकि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपका या तो बीटेक होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आईटीआई होना चाहिए। हालांकि अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपकी जॉब पाना वो बड़ा आसान है, क्योंकि इनकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती। हालांकि सब मिला के आरआरबी जेई हो गया, आरआरपीएफ हो गया, टीटीई हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में ओवरऑल जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग आने वाली है 3.2 लाख। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि सर, इस वैकेंसी के लिए क्या हमें अभी से पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए या फिर जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाए तब पढ़ाई करना शुरू करिए? तो आप खुद सोचते देखिए कि अगर आप पेपर की डेट का इंतजार किए हैं, फॉर्म का इंतजार किए हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? नहीं ना। तो यही रीजन है कि एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, टीटीई हरा, तो इनके सारे बैचेस को एक फाउंडेशन बैच में कन्वर्ट करके पाठशाला रेलवे एग्जाम आप लोग के लिए लेके आया है। आप विश्वास मानिए जितने भी बच्चे एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ये संपूर्ण बैच चल रहा है उनके लिए। आप देखिए ये संपूर्ण बैच की खास बात क्या है कि एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले बच्चों को दो पेपर देने होते हैं, उनमें से एक होता है सीबीटी वन, दूसरा होता है सीबीटी टू। सीबीटी वन में आपको पता है कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट आने हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा आपको इस बैच में 40 मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जो कि कह सकते हो पूरे के पूरे 40 होंगे, 40 मॉक टेस्ट पेपर 75-75 नंबर के, है ना। तो सीबीटी वन जो आपका 75 नंबर का आना है, इसके 40 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, इसके साथ मैथ, रीजनिंग, साइंस और इनके भी कोर्सेस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर, ये केवल प्रैक्टिस बैच होगा या फिर ये फाउंडेशन कोर्स हो रहा है जिसमें आपको थ्योरी वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाए जाएंगे? तो याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, जीएस हो, इनके पहले कॉन्सेप्ट, इनके टाइप, उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस भी। माने कि मैं अगर साइंस की बात करता हूं, मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो फिजिक्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ओम का नियम, उसका ड्राफ्ट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज, रेजिस्टेंस, ऐसे जितने भी पॉइंट है वो सारा कुछ क्लियर करूंगा। ऑप्टिक्स मैंने मान लीजिए पढ़ाया, तो मैं आपको पहले इमेज फॉर्मेशन समझाऊंगा, लेंस क्या होते हैं, मिरर क्या होते हैं। तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस मिलेगी, यानी पूरा का पूरा बैच फाउंडेशन। दूसरी बात यह है कि पार्ट बी का सिलेबस ये आपके सामने लिखा है, पार्ट बी 100 नंबर का आता है, और पार्ट ए सीबीटी टू का पार्ट ए, इसमें भी आपको 40-40 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। और मुद्दे की बात यह है कि इस 100 नंबर के पेपर में केवल और केवल 40 नंबर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का होता है, और यही वो 40 नंबर होता है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ये बात सबको पता है ना। पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ आप वायरमैन जरूर जोड़ लीजिए, वायरमैन के साथ साथ फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हो कि एक दो ट्रेड और भी है, है ना। तो इतनी सारी जो मैंने आपको ट्रेड लिखी सामने, है ना, एक ट्रेड और ले लीजिए वेल्डर, ये सारा ट्रेड की भी आपको क्लासे मिलेगी। अब इन सारी ट्रेड की क्लासे भी आपको थ्योरी वाइज मिलेगी। माने कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फिटर की क्लास चल रही है, तो फिटर की क्लास में आपको मेजर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, साइन बार क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वेल्डिंग पढ़ाया जा रहा है तो टीआईजी क्या है, एमआईजी क्या है, ये सब कुछ मिलेगा। आप इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, ये सब कुछ थ्योरी के साथ मिलेगा आपको। अब ये पूरा का पूरा जो फाउंडेशन कोर्स है बच्चा,
ये फाउंडेशन कोर्स है तो वैसे 1299 में, लेकिन डिस्काउंट के साथ 25 डिस्काउंट के साथ ये आपको पड़े रह जाते 950 में। अब विश्वास मानिए, ये बहुत सारे बच्चे इनरोल हो चुके हैं, आप भी आप इसमें इनरोल हो जाइए। और मैं फिर से बता दूं, जो भी बच्चे शुरू से मुझसे पढ़े हैं, कभी भी आप उनसे पूछिएगा कि पाठशाला रेलवे का जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है, सिलेक्शन वाला कंटेंट होता है। मुट्ठी भर लोगों से हमने ग्रुप डी में 101% सिलेक्शन दिया, ठीक है। अब बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो एक तो सामने नंबर लिखे हैं, आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, संपूर्ण बैच को। और उसके अलावा कह सकते हो, बैच को ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता दूं। हालांकि मैं एक और चीज लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ये अभी मुश्किल से 8-10 दिन पहले की न्यूज थी द हिंदू की, 3.12 लाख वैकेंसी खाली है। तो पहले से तैयारी कीजिए ना। और हालांकि ये न्यूज काफी आप सब लोगों को पढ़ चुकी होगी, बैच को ज्वाइन कैसे करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाइएगा और माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद देखिए, यहां पर नीचे एक हरा हरा बैचेस दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक विंडो खुलेगी, एलपी टेक्नीशियन CBT 1+CBT 2। इसमें आप UOD 10, मैं फिर से बता दूं, ये कोड डालिएगा UOD 10। जब आप UOD 10 डालेंगे, YOGI 10, UOD 10 डालने के बाद जो भी आपको दाम दिखाएगा वो डिस्काउंट के साथ दिखाएगा 950। मतलब ये 950 1299 950 तभी बनेगा जब आप इसमें UOD 10 डालोगे, ओके। और जैसे ही आप कंटिन्यू करते आपका ये बैच ज्वाइन हो जाएगा। और इस बैच की खास बात ये रहेगी कि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद फिटर, मशीनिस्ट और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास लगभग 1-2 दिन में शुरू होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इस फाउंडेशन बैच को आप फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन करे, जो लोग ज्वाइन किए हैं, मैं चाहूंगा कि वो सब लोग इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको फिजिक्स की क्लास कैसी लगी, आपको रीजनिंग की क्लास कैसी लगी, आपको मैथ की क्लास कैसी लगी, है ना। और जितने भी बच्चे नए हैं फटाफट जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो ये एक ऐसा बैच होगा जो आपको कह सकते हैं आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग रेगुलर क्लास में, जो कि 7:00 मेरी चलती है। आते रहिए और पढ़ते रहिए, यानी 2023 ये वो अंतिम साल होगा जब आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब होगी। थैंक यू वेरी मच।